दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से एआई के थ्रू अपने किसी वीडियो को क्रिएट करके यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी इजी है यहाँ पर, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आपका वहाँ पे बिल्कुल भी फेस शो होगा, नहीं तो आपका कोई वॉइस होगी, आपका कोई वहाँ पर रोल नहीं होगा, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और एआई के थ्रू पूरा वीडियो जनरेट करके और आप एक अच्छा वीडियो बना के जितना भी चाहो आप, या फिर किसी भी कैटेगरी में चाहो उस कैटेगरी में बना के वीडियो अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर। शॉर्ट्स जो रील होती है उसे अपलोड कर सकते हो और वहाँ से बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे आपको ये पैसा मिलता है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं बताऊंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने पूरा वीडियो बना के बताया किस तरह से आपको वीडियो क्रिएट करना है एआई के थ्रू, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो चेक कर लेना। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज करनी है और जिनके थ्रू आप एआई वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से करें एंड वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो लाइक जरूर से करना। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ ये चैनल मोनेटाइज होते हैं या फिर नहीं होते हैं। देखिए ये चैनल 100% मोनेटाइज हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो रहता है वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे पूरा वीडियो, जैसे कि वॉइस क्या डालनी है, वीडियो में शो क्या करना है, तो मोनेटाइज हो जाता है। देखिए आपको सबसे पहले तो एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आपको एक वॉइस जनरेट करनी होगी। वॉइस जनरेट करने के लिए 11 लैब्स इस तरह से एक वेबसाइट मिल जाती है, मैं इसका लिंक तो नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका नाम दे दूंगा, आप जाके ये सर्च कर लें गूगल पे या ब्राउजर पे किसी भी, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी 11 लैब्स। ठीक है, आप जैसे इसे सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको टाइप करने का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। फिर वहाँ से आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ से लैंग्वेज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे और वहाँ पर एक जनरेट का ऑप्शन मिलेगा, आप जनरेट पर क्लिक करते तो आपका जो वॉइस रहेगा वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, बनके आपने जो कुछ भी वहाँ पे लिखा होगा वो पूरा का पूरा ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा उस चीज़ को, और काफ़ी परफेक्ट तरीके से करता है। और वहाँ पे कई सारे वॉइस के ऑप्शन भी दिए जाते हैं, आप किसी का भी वॉइस वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वॉइस जनरेट करने के बाद आपको वॉइस करनी है डाउनलोड। और देखिए वॉइस डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको वो वॉइस लेनी है, एक सेकेंड वेबसाइट ओपन करनी है, studio.d.id इस तरह से एक आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसका भी मैं जो है नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, आपको ये सर्च करनी है एंड वहाँ से आप लोगों को वेबसाइट में कई सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, जैसे अगर आप चाहो तो अपनी फोटो भी, जैसे कि मैंने एक नॉर्मल से अपनी फोटो क्लिक की एंड इसी फोटो को मैं जाके वहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ एंड वहाँ से जो रहेगा उस फोटो के साथ में अपना जो ऑडियो रहेगा, वॉइस रहेगी, जो मैंने वहाँ से 11 लैब से डाउनलोड की थी उसे मैं मिक्स कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा नॉर्मली मेरी एक फोटो रहेगी बट वो एआई रहेगा, वो एक्टिविटी कुछ इस तरह से करवा देगा, ऐसा लगेगा हमें वेबसाइट के थ्रू ऐसा लगेगा कि मैं ही वो चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, वो आपने ऑडियो वहाँ से लिया होगा एंड जो फोटो रहेगी वो आपकी जो studio.d.id वेबसाइट रहेगी, वो फोटो और वॉइस को इस तरह से मिक्स कर देगा जैसा लगेगा कि आप ही बोल रहे हो। या फिर आप अपना फेस नहीं शो करना चाहते तो आप किसी का भी ले सकते हो, आपको तमाम यहाँ पर ब्राउजर पे जाओगे तो आप सर्च करना, या फिर एक वेबसाइट है कुछ मैं उसका नाम दे दूंगा, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका नाम, आप जाके सर्च कर लें, वहाँ पे HD आपको फोटोज़ मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स की, कोई भी आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कॉपीराइट फ्री होते हैं, बिल्कुल भी कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आने वाला, तो ये काफ़ी अच्छा एक वीडियो क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद एक मेन प्रॉब्लम आती है, जो आप studio.d.id का जो आप वेबसाइट यूज़ करेंगे तो इसका जो रहेगा एक वाटरमार्क, आप जैसे वीडियो पूरा जनरेट कर लेंगे तो आपको वहां पर उसका वाटरमार्क देखने मिलेगा। हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहो, क्योंकि जो उपलब्धि आज हमने पाई है उससे कहीं ज्यादा हम पा सकते हैं। टाइम मास्टर हो सकता है, पावर डायरेक्टर हो सकता है, फिर आप पीसी से करते हो, तो कुछ भी आप यूज करते होंगे एडिटिंग के लिए, तो आपको बस उसी में जाके किस तरह से एडिटिंग करनी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लें, सब कुछ वहां पर मैंने बताया। और आप इस तरह से पूरा वीडियो जनरेट करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, आपको ऐसे बहुत से वीडियो अपलोडेड भी यूट्यूब पर मिल जाएगी और वो चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज भी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ शॉर्ट वीडियो पर अप्लाई करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है, लॉन्ग पर करते हैं उस पर भी सही रहेगा बट थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स मिलता है, बट शॉर्ट जो रहता है इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाना या फिर यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो या फिर फेसबुक के लिए ये काफ़ी अच्छे चल जाते हैं, लेकिन आप बना सकते हो लॉन्ग वीडियो, नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उस पर क्लिक करना, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वो वाला 8-9 मिनट का समथिंग होगा, वहाँ से जाके आप पूरा देख सकते हो किस तरह से बनाना, किस तरह से कौन सी वेबसाइट यूज करनी है। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।